एक लड़का नौकरी ढूंढते हुए एक मार्ट पे चला जाता है। बहुत बड़ा मार्ट था। मार्ट का मैनेजर उसके रिज्यूम को देखता है, फिर बोलता है कि तुम्हें रखा जाएगा, लेकिन पहले 2 दिन तुम्हारा ट्रायल है। पहले हम देखेंगे तुम अच्छी तरह से काम कर सकते हो या नहीं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें रखना है कि नहीं। लड़का मान जाता है, सेल्समैन की नौकरी में वो लग जाता है। पहला दिन बीत गया, शाम को मैनेजर ने उस नए लड़के को बुलाया। लड़का आने के बाद पूछा उसको कि तुमने आज कितने कस्टमर को सामान बेचा। तो ये लड़का बोला, सर सिर्फ एक को सामान बेचा। मैनेजर गुस्सा हो गया, अरे पूरा दिन में सिर्फ एक ही आदमी को तुमने सामान बेचा, एक ही कस्टमर को सामान बेचा। यहाँ के जितने सारे सेल्समैन हैं वो 10 से 20 लोगों को सामान बेचते हैं, तो तुम्हें कल से ऐसा करना पड़ेगा। तो ये पूछा आदमी कि तुमने उस आदमी को क्या बेचा। बोला, सर मैंने उस आदमी को एक मछली पकड़ने का हुक बेचा, उसके बाद उस हुक के लिए उसकी रस्सी बेची, उसके बाद उस रस्सी को लगाने के लिए एक स्टिक मछली पकड़ने का वो बेचा, फिर मछलियां रखने के लिए बाल्टी दिया उसको। फिर बोला, सर बाल्टी तो ठीक है, मछलियों को पकड़ने के लिए चारा तो चाहिए, बोल के चारा भी बेचा मैंने उसको। फिर मैंने उनको कहा कि आप खरे खरे आप ऐसा करते करते आप बोर हो जाओगे, पैर दुखने लगेगा, एक बिन बैग ले लीजिए। तो वो एग्री हो गया, तो मैंने उसको बिन बैग भी बेचा। फिर बोला कि आप बैठ बैठ के इतना सब कुछ करेंगे, आपको भूख लग जाएगी, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स, कुछ ब्रेड्स, बटर्स वगैरह, मैंने बिस्किट वगैरह उसको बेचा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स उनको दिए। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप दिन भर ऐसा करते करते थक जाएंगे बैठे बैठे, तो आपको कम से कम थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आपको एक टेंट लेना चाहिए। फिर मैंने उनको एक टेंट बेचा। फिर उनको बोला कि सर स्टैंड के अंदर तो कुछ बिछाने के लिए चाहिए ना, बोल के मैंने उनको एक डानलो बेचा। फिर उनको बोला, सर आप दिन भर ऐसे ही सोते रहेंगे क्या, थोड़ा आपको मैगजीन भी पढ़नी चाहिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, तो बोल के मैंने उनको मैगजीन भी बेची। फिर मैंने उनको बोला कि सर आपका फोन का बैटरी जल्दी से खत्म हो जाएगा, वहां तो चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, तो आपको एक जो पावर बैंक खरीदनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी खरीद लिया। ये मैनेजर सुनता ही रहा और चौंक गया, क्या बेचा। तो मैनेजर ने बोला कि वो आदमी एक कांटा खरीदने के लिए आया था और तुमने उस मछली के कांटे के बदले में इतना सब कुछ बेचा। तो ये सेल्समैन बोला, नहीं सर वो मछली का कांटा खरीदने नहीं आया था। तो बोला, तो फिर क्या खरीदने आया था। बोला, सर वो तो डिस्प्रिन खरीदने आया था सर दर्द के लिए। तो मैंने उनसे उनका कारण पूछा, क्यों सर दर्द है। तो बोला, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, टेंशन है, घर में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, इसलिए डिप्रेशन आ गया, सर में दर्द आ रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कहीं दूर एक लेक में जाओ, जाकर वहां पर बैठो, बैठ के आप मछलियां पकड़ो, तो आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, ये टेबलेट खाने से आपका हेल्थ खराब होगा। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और एक के बाद बात मानते गए और वो सब वो लेके गए। दोस्तों, ये जो सेल्समैन है ना, ये इसने इतनी चालाकी से इतना सब कुछ बेचा है। आप ध्यान लगाइए, इंसान कब खरीदता है, जब उसको उसके नीड का एहसास कोई करवाता है। इंसान को अपने नीड का एहसास नहीं होता। अगर आप न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अगर आप पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, कुछ भी अगर आप बेच रहे हैं, आपको क्या करना होगा, कस्टमर को उसके नीड के बारे में पहले आपको जानकारी देनी होगी, उसकी जरूरत क्या है, उसको कहां प्रॉब्लम है, उसको क्या करने से अच्छा होगा, जिससे कि वो समझ जाए। ऐसा ही एक अच्छा सेल्समैन आपको बन के दिखाना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे ही आपको एक अच्छा और बेहतर सेल्समैन बनना है। आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले अपने अंदर वो क्वालिटी आपको लानी है, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी, पब्लिक रिलेशन की क्वालिटी। ये आपको बेहतर ढंग से आनी पड़ेगी। आपको उसके साथ, कस्टमर के साथ आपको बात करके समझना होगा कि वो, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, इन सब की मैं बात कर रहा हूं। आपको समझना चाहिए कस्टमर को क्या नीड है। कस्टमर के नीड को आप कैसे समझेंगे, जब उसके साथ बात करेंगे तभी तो समझेंगे ना। इसलिए आपको करना क्या है, कस्टमर जब भी आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, तो कम से कम उसके साथ पहले बात करो कि उसकी नीड क्या है। उसने
उस वो आपको एक प्रोडक्ट मांगेगा, तो आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट के बदले में उसके साथ क्या क्या लेने से बेहतर होगा, क्या क्या लेने से उसको अच्छा होगा, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो समझेगा और खरीदेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेल्समैन मुझे हमेशा यही बोलते कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है सेल नहीं होता। अरे यार सेल्समैन वाली क्वालिटी लाओ यार। एक अच्छा सेल्समैन हमेशा कस्टमर के नीड को समझता है, उसके नीड को वो देता है। आपको ना मेरा जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाए थे वो एक बार पढ़िए आप, उसको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे ये कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को कैसे आपको समझाना है। क्या आप इस सेल्समैन की तरह बन पाएंगे? आज आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मैं भी इस सेल्समैन की तरह बन सकता हूं, आई कैन डू इट सर, आई कैन डू इट। लिखो यार लिखो, अच्छा लगता है। आप लोग जब कमेंट करते हो लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने के बाद जब कमेंट भी नहीं करते हो लाइक भी नहीं करते हो अच्छा नहीं लगता यार। कृपया करके ये लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप पूरे टीम में, आप अपने जितने सारे लोग हैं उन सबको आप शेयर कर दें। हर किसी को ऐसा ही एक बेहतर और जबरदस्त सेल्समैन बनने की जरूरत है ये सब जानना। ये सब नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कोई तो उसको बताने वाला चाहिए ना कि आपको ठीक इस तरह सोचना चाहिए। वो सोच, वो बताने का काम मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको बस करना क्या है, इसको बस शेयर करना है झट से व्हाट्सएप और फेसबुक में, और सबको इसको भेजना है। जल्दी कीजिए। नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आता जाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।